हाय गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब से कोई सी वीडियो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के, और आप गूगल पे कोई सी भी इमेज किस तरह से सर्च कर सकते हो और उसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्रोम ओपन कर लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना चैनल ओपन कर रखा है, तो यहाँ से मैं कोई सी वीडियो ओपन कर लूँगा। मैंने यहाँ पर पहले से पॉज कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है उस वीडियो के यूआरएल पे। यूआरएल पे जैसे क्लिक करोगे तो www के बाद आपको टाइप करना है SS, फिर आपको एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करोगे तो सिर्फ नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको अपनी वीडियो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो पूरी लोड हो चुकी है, और आप चाहते हो यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी भी सेट कर सकते हो कि आपको कौन सी क्वालिटी में चाहिए। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे डाउनलोड पर, तो यहाँ पर छोटा सा ऐड दिखा जाएगा, आप इसे बंद कर सकते हो। और देखिए ये हमारी वीडियो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ चुका है, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये वीडियो हमारी डाउनलोड हो चुकी है। फाइल मैनेजर ओपन करते हैं। जैसे देख सकते हैं ये रही हमारी वीडियो जो हमने डाउनलोड करी थी। इस तरीके से आप YouTube की कोई सी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताता हूँ कि आप Google पे इमेज को किस तरह से सर्च कर सकते हो। किसी भी इमेज को सर्च करने के लिए हमें सबसे पहले एक वेब ब्राउजर ओपन करना होता है। उसके बाद हमें जस्ट गूगल सर्च इंजन सेपरेट सर्च प्रोवाइड करता है, जो कि हमें इमेजेस के लिए स्पेशली बना हुआ है, तो हमें उस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद में गूगल सर्च इंजन ओपन करना होगा, और यहाँ पर आपको एक सेपरेट ऑप्शन मिलेगा इमेजेस का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपको गूगल इमेजेस का एक ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा, जहाँ पे आप अपनी इमेजेस को सर्च कर सकते हो उसके नाम से, उसके डिस्क्रिप्शन से, यानी जो भी इमेज, जिस तरह की भी इमेजेस आपको सर्च करनी है उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में प्रोवाइड करना होगा, और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपकी इमेज जो है वो सर्च होकर आपके सामने आ जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और है जिसके थ्रू आप इमेज सर्च कर सकते हो, सर्च बाय इमेज। सर्च बाय इमेज पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर या तो इमेज को अपलोड करना होगा या फिर पेस्ट इमेज यूआरएल, यानी जहाँ पे अगर आप किसी यूआरएल से उस इमेज को उठा रहे हो, किसी वेब एड्रेस से उठा रहे हो, तो उस वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। फिलहाल मैं अपलोड एन इमेज वाला ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर अपनी फ़ाइल चूज़ कर लूँगी जहाँ पर भी मेरी फ़ाइल होगी। मेरी फ़ाइल यहाँ पर डेस्कटॉप पर है, मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने अपनी फ़ाइल का नेम यहाँ से चूज़ कर लिया। ये मेरी फ़ाइल है, ओपन किया। वो उससे रिलेटेड सिमिलर इमेजेस मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा कि ये प्लांट शायद इसका हो सकता है। बेसिकली इस प्लांट से इसने आपको बताया कि ये एक पॉट है, फ्लावर पॉट, और फ्लावर पॉट के अलावा अगर आप और भी सर्चेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। प्लांट है वो उससे मैच करता है, तो आप उसमें से चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी इमेज के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। अभी हम बैक जाएंगे और यहाँ पे हम और भी इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। लाइक हम माउंटेन की इमेजेस को सर्च करना चाहते हैं, तो मैंने माउंटेन लिख के क्लिक कर दिया, और अभी मुझे माउंटेन से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी वो शो कर देगा। अभी यहाँ पे मैं सपोज़ मुझे ये वाली पिक अच्छी लग रही है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, और इसके बाद अब मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैंने राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने ऐसा किया, यहाँ पे मुझसे फ़ाइल नेम पूछेगा और मुझसे लोकेशन मांगेगा। मैं यहाँ पे इसको लोकेशन प्रोवाइड कर दूँगी। मुझे अगर डेस्कटॉप पे अपनी फ़ाइल को सेव करना है तो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स में रखना है तो डॉक्यूमेंट्स। और इसके बाद मैं यहाँ पर फ़ाइल का नाम प्रोवाइड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर फ़ाइल का नाम दिया माउंटेन और सेव पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरी इमेज जो है वो सेव हो जाएगी JPG फॉर्मेट में। इसके अलावा मैं किसी और फॉर्मेट में भी अपनी इमेज को सेव कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे उसी तरह की इमेज को सर्च करना होगा। जैसे अगर मुझे बर्थडे से रिलेटेड GIF फॉर्मेट में इमेज चाहिए, तो यहाँ पर ये जो मेरे को इमेजेस दिखा रहा है सब GIF फॉर्मेट में है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, ये मेरे को एक सेपरेट पैनल पे मिल जाएगा सेपरेट ब्राउज़र पे। इसके बाद मुझे और ये यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है।
मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आप इसको डाउनलोड होके आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच।